बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, एरिया अंडर द कर्व जो एप्लीकेशन की हवाले से इंटीग्रेशन का लेक्चर कंटिन्यू है, 3.7 एक्सरसाइज, ये उसी के रिमेनिंग क्वेश्चन अंडर डिस्कशन है। उनमें से 7 के करीब हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। नौ क्वेश्चन नंबर 8, ये रही कर्व एक्स एक्सिस, जस्ट लिमिट्स नहीं है, तो हस्बे मामूल जिस तरह से लिमिट्स फाइंड आउट करने का रास्ता है, पुट वाई इक्वल टू जीरो, ये स्टेटमेंट इक्वल टू जीरो आफ्टर सॉल्यूशन, हम इस जगह पहुंचे एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, थ्री वैल्यूज आ चुकी। जब थ्री वैल्यूज आएंगे उसके दो पार्ट्स किए जाएंगे, लोअर मोस्ट यहाँ पर, मिडल लिमिट दोनों में आएगी, अपर मोस्ट यहाँ पे आ जाएगी, वही सोल्यूशन। उसके बाद ये हो गया ए वन और ये हो चुका ए टू। अब जो इससे पिछला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, उसमें हम एग्जांपल नंबर 3 हल कर चुके हैं, बिल्कुल सेम है, उसकी कंप्लीट डिटेल उस लेक्चर में मौजूद है, तो वहां से चेक कर सकते हैं। 4 + 4 = 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अब आपको ये कर्व दी गई उसी तरह से एक्स एक्सिस की वजह से, जाहिर है लोअर कर्व बार बार बताया जा रहा है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व यहाँ पे ये है जिसको यूज नहीं किया जा रहा इंटीग्रेशन में, जस्ट अपर कर्व ही लिखी जाती है, तो लिमिट्स अवेलेबल नहीं है। टू फाइंड द लिमिट्स पुट y इक्वल टू जीरो, ये हिस्सा जीरो से इक्वेट किया तो हमें ये वैल्यूज मिल चुकी, 0, माइनस 1 और प्लस 1। वंस अगेन वी हैव 3 लिमिट्स, तो इन 3 को यूज करने का तरीका लोअर, मिडल और अपर का, वही लिखी। a1 a2 दो पार्ट्स किए गए। हाँ जी, इस a1 के मुताबिक आगे हमने सॉल्यूशन शुरू किया इस पोर्शन का, जिसमें फर्स्ट एरिया है ब्रैकेट, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, जो तरतीब में इस फार्मूला के मुताबिक ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, इट्स ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये एक्स स्केयर माइनस वन, फिर ब्रैकेट खोली एक्स क्यूब माइनस एक्स, सेपरेशन की, इंटीग्रेशन की तो अब बात करना मेरा ख्याल छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि और इंटीग्रेशन का कोई टफ क्वेश्चन हो तो बात करें, सिंपल एक्स की पावर्स है और डे वन का फार्मूला है, जिस दिन इंटीग्रेशन का हमने लेक्चर 1 शुरू किया था, उससे आगे कुछ आ नहीं रहा। सो एक्स की 4/4, एक्स की 2/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अल्टीमेटली वी हैव 1/4। सिमिलरली जब ए टू को हल करेंगे तो इंटीग्रेशन तो हमारी यही वाली है, ये स्टेरिक वाला पार्ट उठा के हम आगे लिख रहे हैं और उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसमें जब सॉल्यूशन लिया तो इट इज -1/4। सो रूटीन में अब कितनी दफा ये बात हम कर चुके हैं, व्हेन एरिया इज नेगेटिव सो मेक इट पॉजिटिव, जब इसको पॉजिटिव बनाना है तो ये रहा a टू 1/4, फाइनली एड दीज टू, a इक्वल टू a1 प्लस a2, सो सॉल्यूशन इज देयर, ये रहा आपके पास रिक्वायर्ड एरिया अंडर द कर्व और बिटवीन द कर्व, व्हाटएवर वन लाइक्स। क्वेश्चन नंबर 10, एरिया अंडर द कर्व। अब यहां एक नई चीज सामने आई, y स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो पिछले किसी क्वेश्चन में y स्क्वायर नहीं दिया था, y कर्व दी थी, तो यहां से हम y बना लेंगे इस तरह से, y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस x, y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस x, जो स्क्वायर रूट में प्लस माइनस का साइन लगना था, यहां क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है अबव द x एक्सिस, इसलिए अबव द एक्स एक्सिस के लिए हमने पॉजिटिव वैल्यू यूज कर दी है। वेरिएबल्स के साथ वैसे भी प्लस माइनस ना लगाएं, कांस्टेंट्स के साथ लगाना होता है, बहरहाल हर दोनों सेंसेस में हमारे पास वो प्लस माइनस का साइन इग्नोर हो रहा है, स्केयर का फिनिश करते हुए दोनों तरफ हमने इसका रूट अप्लाई किया और अल्टीमेटली y की कीमत आ चुकी, लिमिट्स बताई हुई हैं यूजिंग द लिमिट्स। लेकिन यहां पहुंच के जब इस इंटीग्रेशन को हल कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन नई नहीं आई, फार्मूला काफी देर हो चुकी है बात किए हुए, वो यानी कि एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज, जैसे ये है
एक ग्रुप ऑफ वैल्यू 3 माइनस एक्स के होल की पावर, तो पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। काफी देर का मकसद, 4-5 लेक्चर गुजर चुके हैं, हमें इस तरह का यूज नहीं मिला। इनके वेरी सिंपल इंटीग्रेशन आती जा रही है, तो आप पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव, ये वो फार्मूला है जिसको हम कह रहे हैं कि जस्ट एक ही फार्मूला है जिसका यूज हमें यहां तक इतने लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, इतनी सारी इंटीग्रेशन हैंडल हो चुकी है उस एक फार्मूला से ही। सो पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव ये रहा, बाहर मल्टीपल किया, इसमें 1/2 में जब एक ऐड करते हैं, अब 1/2 + 1 ये मेरा ख्याल कितनी ही दफा हो चुका है, 3/2, ऊपर भी 3/2, नीचे भी 3/2, इसको बाहर शिफ्ट किया 2/3। बाकी जो ये वाली डिस्कशन हो रही है, इनके लिमिट्स का यूज हो रहा है, यहाँ कोई स्टेप इग्नोर नहीं किया जा रहा, रफ वर्क में भी वो स्टेप समझाने ही है, तो वो सामने किए जा रहे हैं सबके साथ, तकरीबन तमाम क्वेश्चंस में सामने ही किए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ तक x की जगह माइनस माइनस वो भी लिखा, ये कोई स्टेप लिखने वाला नहीं है, लेकिन लिखा 3+1 लिखा, 4 लिखा, उसके बाद इसको 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये बात भी हम 2-3 दफा कर चुके हैं यहाँ पर। सो पीछे बचा 2 का क्यूब, दैट इज 8, फाइनली वी हैव 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 13, एरिया बिटवीन दिस, ये गर्व दे दी गई, टू फाइंड लिमिट्स पुट y 0, जब y को 0 रखा तो ये आ गया, यहां से हमने स्केयरिंग किया दोनों तरफ, जब स्केयरिंग किया तो उधर से रूट खत्म हो गया, इस साइड पे 0 का स्केयर 0 ही रहा, और फाइनली x कॉमन, x की एक वैल्यू 0 और सेकंड वैल्यू ये आ चुकी 2a, और रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा 0 टू 2a, जो रूटीन में है लोअर लिमिट अपर लिमिट, आगे वो y की कीमत। अब इस इंटीग्रल को हल करना चाहते हैं तो किया जा सकता है, लेकिन यहां एक वर्जन और समझाया जा रहा है, एक शॉर्टकट वे समझ लें कि ये एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है आमतौर पर, एरिया अंडर द कर्व, तो उस वक्त वो लेंथ थोड़ी सी कंट्रोलेबल है, हमें लिमिट्स तक ले जाने की जरूरत नहीं, जस्ट एक नया वर्जन समझाने के लिए कि चलें यही देख लें, इसलिए ये बात हो रही है एन अल्टरनेट वे। यहां से इंटीग्रेशन आप हल कर लें स्केयर कंपटीशन के बाद, इसका रूल नहीं अभी बताया, रूल आगे आएगा, वो रूल पढ़ने के बाद आप काम कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट जरा देखिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी कि शॉर्टली भी बच्चे को पता होना कि ये विद इन नो टाइम हम फौरी तौर पे सॉल्यूशन कैसे दे रहे हैं। दोनों तरफ स्केयर किया, इधर y का स्केयर हो गया और इस साइड पे ये रूट खत्म हो गया, अगले स्टेप में एक साइड पे चेंज किया, उसके बाद ये जो x वाला पार्ट है ये इस x के साथ मिलाया टू कंप्लीट द स्केयर, यानी कि ये ग्रुप लिखा x स्केयर माइनस 2ax आगे y स्केयर, ये स्केयर कंप्लीशन यहां की गई है। स्केयर कंप्लीशन का वे ये होता है कि जो x पहले x स्केयर का कोएफिशिएंट खत्म करते हैं, वो पहले ही नहीं है, जो चीज पहले ही नहीं है तो एक प्लस पॉइंट हमें मिल गया कि हमें काम नहीं करना पड़ा। अगला स्टेप होता है इस x का कोएफिशिएंट, दैट इज 2a, उसको हमने हाफ करना होता है, जब 2a को हाफ किया तो वी गेट सिंगल a, जो चीज हाफ करने के बाद बची उसका स्केयर दोनों तरफ ऐड करना होता है, सो इधर भी ऐड कर दिया उधर भी ऐड कर दिया, यानी कि ये जिस पर गुड लगाया गया बाकी हर चीज अपनी जगह एज इट इज है, उसके बाद ये हिस्सा इतने वाला हो गया x माइनस a का स्केयर, ये y स्केयर अपनी जगह उसी तरह मौजूद है, राइट साइड पे आपके पास आ गया a का स्केयर। अब जो ये इक्वेशन नजर आ रही है ये वाली, ये जिस को स्टेरिक का नाम दिया, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन असल में ये होती है x माइनस h का स्केयर y माइनस k का स्केयर इक्वल टू r का स्केयर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जिसका सेंटर h k होता है, रेडियस r होता है। हियर वी आर इंटरेस्टेड इन रेडियस ओनली, नेवर टेक सेंटर वेयर इट इज, उसकी जरूरत ही नहीं है, हमें तो रेडियस चाहिए पार एरिया, इसलिए हम सेंटर को गोली मारते हैं, सेंटर से क्या लेना देना, जस्ट इससे कंपेयर करते हुए हम देख रहे हैं
आर स्क्वायर को जब ए स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रेडियस की कीमत आ चुकी ए, और जब रेडियस ए हो तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वी हैव पाई ए स्क्वायर, ये हो गया सर्कल का एरिया। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट है, अब देखिए इस स्क्वायर रूट से हमें ये आधा सर्कल मिलता है, स्केयरिंग बोथ साइड्स रूट खत्म करके हम सर्कल पर पहुंचे हैं। जो बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है वो अंडर द रूट है, दैट इज हाफ सर्कल, यानी कि ये इस तरह की सेटिंग है, जो एरिया हमने निकाला वो पूरे सर्कल का निकाला, सो हाफ सर्कल का एरिया क्या आएगा, उसी एरिया को हमने हाफ कर दिया है, दैट इज रिक्वायर्ड एरिया। इस तरह से हम शॉर्टली भी डील कर सकते हैं क्वेश्चन को, एक आपको शॉर्टकट वे भी बताना था, सो ये रहा, बाकी इंटीग्रेशन का भी अपनी जगह मौजूद है। सो इस हवाले से इस एक्सरसाइज के तकरीबन 10 के करीब क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं, बस 3 रह गए हैं, उन 3 क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल सिंपल साइन कॉस के फार्मूले लिखेंगे, सिंपलेस्ट साइन कॉस, इससे आगे नहीं जाना, और बाकी आपके सामने 3-3, 4-4 लाइनों के वो क्वेश्चंस हैं वो क्लोज हो जाएंगे, 3.7 आपकी हर हर तरीके से क्लोज हो चुकी। थैंक यू वेरी मच।